हे गाइस, क्या हाल है भाइयों। तो फिर से एक नई वीडियो में स्पीकर स्वागत है। तो आज की जो वीडियो है उसमें हम करने वाले हैं जो गोड वेलक्री है, यानी कि जेनेसिस वेलक्री जो है, इसके अंदर हम स्ट्राइक वेलक्री का ये स्ट्राइक चिप डालेंगे और देखते हैं भाई कितना सही काम करता है ये। इसका काम ये होता है कि ये एक टाइप से लॉक कर देता है इसको इसी मोड पे। ये अटैक मोड, ये ज़्यादा अटैक डिफेंस ऑफेंसिव मोड है ये गोड वेलक्री का। तो भाई इसको देखना है कि ऐसे सही कितना काम करेगा और कितना बढ़िया ये चिप लगेगी। हालांकि ये रेड होती है, बट मेरे पास ये पता नहीं थोड़ी सी येलोइश आई है, पता नहीं क्यों। ये थोड़ा मेरे ख्याल से गोल्डन स्ट्राइक वेलक्री का है शायद। तो ठीक है, और मेरे पास पूरा अल्टीमेट गोड वेलक्री मैं नहीं बना सकता क्योंकि मेरे पास वो रिबूट ड्राइवर नहीं है अल्टीमेट वाला, तो हमको इसी से काम चलाना पड़ेगा। बट ये हम कर सकते हैं गाइस, इसके लिए हमको सिंपली ये चाहिएगा। और देखो गाइस, सेटअप अभी मेरे ख्याल से अच्छा लग रहा होगा। अरे हाँ, पहले इसको निकालना पड़ेगा। ओह शिट, अभी मैं इसको निकाल भी नहीं सकता। चलो इसको निकालते हैं, इसको हटाते हैं। और ये जो है ये कुछ ये ऐसे होगा, ये कुछ ऐसे लगेगा और फिर इसको ऐसे लॉक कर देना है। और ये लग गया, और देखो अब ये लॉक हो चुका है पूरा। समझ रहे हो ना क्या कहना चाहता था मैं। अब सिर्फ इसकी 3 लेयर हैं, 6 लेयर नहीं है, तो अब ये ज़्यादा ऑफेंसिव हो जाएगा। और अभी देखते हैं इसको लॉन्च करके, इसको थोड़ा सा रख देते हैं यहाँ पे बेचारे को अभी के लिए, बाद में हटा देंगे इसको। और गाइस ये लॉन्चर भी मैंने थोड़ा चेंज किया है, इसमें यहाँ पे भी वेट वेट वाला वो है बैलेंस बनाने के लिए। और ये एक एंगल देखने वाला है, तो इससे हम एंगल एडजस्ट कर सकते हैं, काफ़ी सही चीज़ है। ओके, 3 2 1 हो जाएगी। ओ ये अभी कुछ डिफरेंस पता नहीं चलेगा क्योंकि हमने कोई फाइट नहीं करी है, फाइट करेंगे तब पता चलेगा। ठीक है, तो अभी फाइट करते हैं इनकी। जो फाइट के लिए हम बेबलेट यूज़ कर रहे हैं वो सारे के सारे ही गोड वे उसके क्या कहते हैं, गोड एरा के कह सकते हो या एवोल्यूशन एरा के कह सकते हो। सबसे पहले नेमेसिस से आ जाते हैं। ठीक है, 3 2 1 हो गया शुरू। 3 2 1, इसका फर्क तो पड़ता है। ओ ये क्या हुआ भाई, हिला दिया यार, जेनेसिस वेल्ट्रिया को तो हिला दिया गया गाइस। भाई साहब यार, ये बेबलेट नहीं जीत, ये जीतने नहीं देगा किसी को भी। ठीक है, इसको रख देते हैं भाई साहब। इसकी तो लेयर अलग निकली, ड्राइवर अलग निकला, भाई क्या बताऊं मैं। अरे फ्रेम था ये, सॉरी फ्रेम अलग है, फ्रेम तो पहले ही निकाल दिया भाई। और फ्रेम निकला कैसे ये समझ नहीं आया मेरे को। छोड़ो जो भी है, समझ से बाहर है। ओ इसको नहीं करते अभी, इससे करेंगे। 3 2 1। अरे 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 क्या हुआ गाइस, ये तो बर्स्ट हो रहा है अपने आप ही। अच्छा, 3 2 1, 3 2 1। भाई स्टेबल हो गया ये, पता नहीं कैसे लॉन्चर स्टेबल हो गया भाई, काम करती है ये चीज़। मेरे से मेरा हाथ ज़्यादा हिल नहीं रहा अब। कम ऑन, एक से तो जीता कम से कम, एक से जीत गया गाइस। इसको रख देते हैं यहाँ पे। ओके बारी है अभी हमारे अशुरा, अशुरा नहीं गरुड़ा। 3 2 1, इन 3 2 1, जेनेसिस कम ऑन। जेनेसिस को अटैक टाइप तो हमने बना दिया गया गाइस, लेकिन जेनेसिस फिर भी जीत नहीं पा रहा है क्योंकि इसमें अल्टीमेट रिबूट ड्राइवर नहीं लगा हुआ है, लेकिन उसको वो मेरे पास है नहीं, पता नहीं क्यों नहीं है यार। अगर मैंने ढूंढा तो शायद मिल भी जाएगा, पता नहीं, मैं ढूंढता ही नहीं हूँ। वैसे मैंने ये बेबलेट भी मुश्किल से ढूंढे हैं यार, ढूंढूंगा मैं अगर मेरे पास हुआ तो अल्टीमेट ड्राइवर, मज़ा आ जाएगा। ओह शिट भाई, ड्रोंजर ड्रोंजर से डर गया है। अल्टीमेट वेलक्री, अल्टीमेट वेलक्री कह रहा हूँ, जेनेसिस वेलट्रिक। कम ऑन कम ऑन। ओ अरे भाई, बाहर का रास्ता सीधा, रॉक टावर से देखते हैं अभी। मॉन जेनेसिस, देखो ये लॉक हो चुका है, ये इसका 3 लेयर वाला सिस्टम है, ये लॉक हो चुका है भाई। एक बात तो है, मेरे से ज़्यादा लॉन्चर हिल नहीं रहा अब, बट ये फिर भी लॉन्च करने में वही दिक्कत आती है यार ये। अरे हो गया, मोहन रॉक टावर से तो जीतना पड़ेगा। ओ शेट, रॉक टावर से जीत नहीं पाएगा वेल्कियक। ओ भाई रॉक टावर हार जीत गया भाई।
रुको फिर से करते हैं इन 3, 2, 1। यार ये रोकटोबर के साथ ही क्यों दिक्कत है ये। हो गया हो गया, इस बार वेल्ट्रियक जीत जाएगा। पिछली बार रोकटोबर नहीं वेल्ट्रियक को थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी, इस बार नहीं होगी, इस बार शायद जीत जाना चाहिए जेनेसिस को। हाँ तो एक जीता है एक हारा है, इनका ये स्कोर है। पहले जीता था तो जीतने वाले में रखेंगे गाइस। इन 3, 2, 1 ड्रेसिल वर्सेस देम। शिट, कल या परसों आ जाएगी हमारी ड्यूअल ग्रिप, फिर मजा आएगा। दो लॉन्चर्स लॉन्च करेंगे हम एक साथ। और हाँ गाइस, क्या ही बताएं, हाँ एक अनाउंसमेंट करनी थी मेरे को। रुको यार, मैं कह रहा था कि 16 प्लस ही बाय करना भाई स्टोर से, और मैं नहीं हूँ वो, मेरा दोस्त संभाल रहा है भाई, मैं नहीं कर पाऊँगा इतने लोगों का रिप्लाई, तो मैं इसलिए नहीं कर रहा उसको, और मेरे को वीडियो बनानी पड़ती है तो मैं नहीं संभाल पा रहा उसको। हाँ तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि भाई जो बच्चे होते हैं मतलब 16 से नीचे वाले जितने भी हैं, वो अपने मम्मी पापा की परमिशन से ही बाय करें। और क्या कह रहा था मैं, हाँ वो मैं नहीं हूँ, मेरा दोस्त है, वो संभाल रहा है सब कुछ, ठीक है। और मैं ये कह रहा हूँ कि नई लोट जल्दी ही आने वाली है, मतलब मैं मंगाना शुरू मैं देखना शुरू कर चुका हूँ, मेरे को कोई भी पसंद आया तो मैं उसको बाय कर लूँगा, और फिर करेंगे हम और अनबॉक्सिंग। बढ़िया बढ़िया, ये जंपिंग जंपिंग ड्रेन फैफियर वर्सेस जेनेसिस वेल्ट्रियक, ड्रेन फैफियर वर्सेस जेनेसिस वेल्ट्रियक। देखते हैं भाई, मेरे को लगता है ड्रेन फैफियर बहुत इजीली जीत जाएगा ये बैटल। कम ऑन जेनेसिस, यार जेनेसिस वीक कैसे हो सकता है यार, जेनेसिस कम ऑन जेनेसिस। अरे यार हार गया यार जेनेसिस, ड्रेन फैफियर से हार गया। ओ शिट, रुको यार, इन 3, 2, 1 चचा रुको यार, अब स्टेडियम चेंज कर लेते हैं। अरे क्या गिरा, ओह शिट मैंने उसकी लेयर गिरा दी। मेरे को बता देना अगर ये एंगल अच्छा नहीं हो तो हम इसको चेंज कर देंगे वापस से हमारे नॉर्मल वाले में। ओके तो अब करते हैं भाई इससे जेनेसिस, कम ऑन जेनेसिस। ये छोटा स्टेडियम है तो इसमें तो हारना चाहिए, जीतना चाहिए मतलब। अरे कम ऑन, नहीं जीत पा रहा यार। ओके ये भी जीत गया भाई, ये तो गलत निकल रहा है भाई सब कुछ ही, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा अब क्या करें। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, जेनेसिस हार गया। शिट डेथ साइड इधर से भी हार गया, एक बार और करते हैं। रुका रुका रुका, इस बार भाई साहब यार ये तो बहुत गलत हो गया यार, क्या बोलूं भाई मैं अब यार। जेनेसिस रोकटोवर से हारने लग गया, नहीं रोकटोवर कह रहा हूँ, डेथ साइथर से। भाई इसने स्लो बर्स्ट किया, देखा हो तो किसी ने स्लो बर्स्ट। ठीक है आ जाते हैं रेक्रियम के पास, कम ऑन रेक्रियम। यार मैंने तो ऊपर लॉन्च किया फिर भी खुद ही आउट हो गया, मैंने नहीं किया बस हो गया मेरे से। इससे स्टेबिलिटी तो मिलती है गाइस। ओहोय ड्यूअल बर्स्ट, नाइस, ये वाला अच्छा था गाइस। और ये अटक क्यों जाता है, पता नहीं अटकता क्यों है यार। ठीक है ड्यूअल बर्स्ट और स्प्रिगन रेक्रियम मैदान से बाहर, इसका कोई वो नहीं निकला, छोड़ो उसको वहां पे रख देते हैं। ओह अखिलेश से करते हैं, टर्बो सीरीज का एक लोता बेब्लेट, वो भी मेरे को अभी मिला इसलिए। अरे भाई और ये सेलिंग पे है शायद पता नहीं। ये कम ऑन, अगर इसको हरा दिया ना वेल्ट्रियक ने, मान लेंगे भाई, मस्त बेब्लेट है फिर तो। जेड अखिलेश नहीं,
जेड अकिलीस हमारा जो रिटायर्ड बेब्लेड था उसका बढ़िया वर्जन आ गया, ओरिजिनल वर्जन आ गया, वो फेक वाला था। बट वो फेक वाले ने बहुत बहुत टाइम तक साथ दिया लेजेंड स्प्रिगन। कमॉन कमॉन कमॉन, बस चाहिए बस्ट। यस बस्ट, बस्ट नहीं मिला, लेकिन हार गया। ओके अब बारी है शेटन की, कैरिस शेटन, ये WBBA। अरे भाई रुको रुको रुको, नाइस क्या बस्ट करेगा ये, क्या हमारा जेनेसिस वेल्ट्रियक बस्ट करेगा कैरिस। ओ भाई ये नाइस, अटैक पे अटैक की है भाई, दो तीन इसने एक साथ। चलो ये भी हारता है गाइस। बारी है अभी विक्ट्री वेल्क्री की, विक्ट्री वेल्क्री बस्ट होगा, मुझे वाइब्स आ रही है। ओहो अरे भाई विक्ट्री वेल्क्री, फर्स्ट वेल्क्री ने सेकंड वेल्क्री को बस्ट कर दिया। नाइस, एक बार और करेंगे गाइस। ये ऊपर लॉन्च हो गया था गलती से, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा उसको वो मिल गया। अरे 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 कमोन भाई, ये अवेकन होने के बाद में खूंखार हो जाता है, सच बता रहा हूँ मैं। विक्ट्री वेल्करी अवेकन होने वाला है, बस देखो ये खूंखार हो जाता है यार। एक बार और करेंगे गाइस, बस्ट कर ही दिया था भाई इस बार भी। ओहो अरे आ गया यार, ये वेवलेट सही है यार, कोई नहीं अभी क्या करे यार। मेरे को इतना उम्मीद नहीं थी कि ये ऐसे होगा। रुको अब करेंगे इसके बिना, जिससे हारा है उनकी। अरे यार ये निकलता मुश्किल से है, चलो निकल गई। जो जो हारे हैं ना, मतलब जिस जिससे ये हारा है उनसे फाइट करेंगे अभी इसकी। ओके और देखेंगे कि भाई ये वाला मोड ज़्यादा अच्छा रहता है वेल्ट्रियक के लिए या वो वाला ही। बारी है, शुरू में कर देते हैं हम ड्रेन फैफनियर से। इन 3-2-1 शिट यार, लॉन्च ही नहीं हो पाया। फिर से इस बार देखते हैं गाइस क्या होगा, क्या इस बार भी हारेगा जेनेसिस या फिर क्या इस बार जीतेगा जेनेसिस। अरे नाइस भाई, अटैक पे अटैक चल रहे हैं जेनेसिस के तो, लेकिन फिर भी हार रहेगा मेरे को ऐसा लग रहा है। ओहो ड्रॉ भी हो सकता है गाइस, नहीं ड्रेन फेफनियर जीतता है, ड्रेन फेफनियर जीत ही जाता है भाई, कुछ कर लो। रोक्टोवर से करते हैं, ये जीत गया था भाई, इसके लिए हमारा मन नहीं मान रहा। मोहन जेनेसिस इसको हराना है, यह रोक्टोवर को बस्ट करना है, बस्ट बस्ट, नहीं बस्ट नहीं हो पाएगा, बट हरा देगा इतना लग रहा है मेरे को, इस बार हरा देगा। यप थोड़ा सा हरा दिया गाइस, या फिर ड्रॉ करा है ऐसा कुछ ही ने, मेरे ख्याल से हरा दिया इसको, तो कोई हरा ही नहीं पाता यार, पता नहीं क्यों। अरे ऊपर ही ऊपर चल रहा है, अरे यार सारी स्पीड तो वैसे ही खत्म कर ली इसने ऊपर लग लग के, नहीं जीत पाएगा भाई इससे तो, मुश्किल ही था, लग ही रहा था मेरे को इससे कोई जीत नहीं पाता। वैसे इस बार मिडल में लॉन्च करूँगा, चलो पता चल जाएगा क्या मिडल में लॉन्च होने से ज़्यादा फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। कमॉन, नहीं इसको तो हरा ही नहीं सकते भाई, मेरे को तो ये गरुड़ा भी नहीं हरा सकता इसको, ऐसा लगता है ये अजीब ही है भाई, गरुड़ा से ही कर लेते हैं हम। 3-2-1 कमॉन गरुड़ा गरुड़ा गरुड़ा,
और गरुड़ा भी जीत जाता है। तो कह सकते हैं कि अभी तक ये सिर्फ एक से जीता है इससे। नेमेसिस से भी आ जाओ भाई, नेमेसिस टविन नेमेसिस वर्सेस गोड वैल्क्री। यह बस चाहिए भाई इस मैच में, बस ये लास्ट बैटल है, बस कर दो बस। नहीं कर रहे यार, बात नहीं मान रहे आजकल ये मेरी। इस बार भी नेमेसिस ही जीता है। तो आउटकम सेम ही है गाइस, इसके साथ भी और इसके बिना भी। जो जीतने वाले हैं वो जीते ही हैं, सिर्फ रोक्टोवर को छोड़ के। और ये बर्स्ट भी हो गया था देखो। भाई ये बस टिका हुआ था कैसे ना कैसे करके। ये अच्छा ये चिपक जाता है यहाँ पे कुछ, ये मेरे ख्याल से इसकी मैन्युफैक्चर में दिक्कत है इसमें इसलिए। ओके चलो गाइस, ये था हमारा जेनेसिस वेल्ट्रैक विद स्ट्राइक चिप, लेकिन कुछ कर नहीं पाई ज़्यादा कुछ खास। ये सेम ही रिजल्ट रहे हैं मेरे मेरे ख्याल से, ज़्यादा फर्क नहीं है भाई, बाकी कुछ भी हो सकता है। ये ऐसे मोड में भी और ऐसे मोड में भी कुछ ज़्यादा फर्क मुझे नहीं लगा। हाँ मुझे नहीं लगा गाइस। ठीक है तो बताओ यार कैसी लगी ये वीडियो, बताओ ये सेटअप कैसा लगा, नहीं तो इसको चेंज करूँगा मैं फिर से। ओके और ठीक है गाइस, आज की वीडियो इतनी थी, आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी। बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, टाटा।